बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सक्रीशन के मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें हम आज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सो इससे पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर चुके थे, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सो हमने कहा था कि जो हम फूड ईट करते हैं, फूड जो भी हम इनटेक करेंगे, क्या वो हमारी सिर्फ बॉडी में रहेगा? नहीं, बल्कि फूड जो सी वो मेटाबोलाइज होगी। ठीक है, मेटाबोलाइज से उससे हमें क्या मिलेगा? एक तो एनर्जी मिलेगी, फूड विल गिव अस एनर्जी। इसके अलावा बॉडी को मेकअप करते हैं, बॉडी की मेकअप करेगा। और मेटाबोलाइजेशन के बाद जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो वेस्ट मटेरियल आएगा। ठीक है, फिर उसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होंगे। सही, सो इस वेस्ट से जो छुटकारा पाना होता है, ठीक है ना, बॉडी जो इस वेस्ट को रिलीज करेगी या कहने के वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना, इसे हमने एक्सक्रीशन कहा था। ठीक है, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, इट इज नोन एज एक्सक्रीशन। सही, फिर हमने कहा था कि फूड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक फूड में कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ठीक है, लिपिड्स वगैरह, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह हो सकते हैं। सो उसके मुताबिक ऑर्गेनिक वेस्ट बनेगा। सही, लेट्स सपोज हम एक और डायग्राम देखते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये शुगर्स हैं, लाइक शुगर से मुराद यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो मेटाबोलाइज हो रहे हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर, ठीक है, रेस्पिरेशन जिसे कहा जाता है। सो वाटर बन रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। फैट्स हैं, ये भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में यानी मेटाबोलाइज होंगे, हमारे पास H2O यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जो प्रोटीन्स हैं दे प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड और साल्ट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। सही, सो प्रोटीन्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनाते हैं, लेकिन साथ साथ यूरिया, यूरिक एसिड, इवन अमोनिया भी बनता है इसमें। एक चीज़ और प्लस कर लें, अमोनिया। ठीक, लेकिन अमोनिया ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए बॉडी से नहीं बनाती। सही, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किस्म का वेस्ट प्रोड्यूस करता है। सही, सो जो भी नेचर ऑफ फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं, उसके मुताबिक आगे वेस्ट प्रोडक्ट बने। सो हम अगर इसे हाथों में उंगलियों पर काउंट करें तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अच्छा, वाटर हमारी ज़रूरत होती है, मेनली ये बॉडी की ज़रूरत होती है। सही, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सेस वाटर, के जो इजाफी वाटर होगा वो वेस्ट मटेरियल कहलाएगा। इसके अलावा अमोनिया, अमोनिया भी वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर यूरिया हमें नज़र आया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। सही, सो ये मेन फाइव कैटेगरीज कहलाएंगे, फाइव टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है जो हर ऑर्गेनिज्म तकरीबन रिलीज करता है। ओके, हम अब CO2 से स्टार्ट करते हैं, नंबर फर्स्ट से। सो CO2 किस तरह रिलीज होगा बॉडी में से? तो सिंपल, बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी हम जो सांस लेते हैं, हमारे फेफड़े जो होते हैं वो खून में से, यानी ब्लड में से जो CO2 है, इट विल रिलीज इन टू एयर। ठीक है, और ये काम कौन करेगा बीच में? लंग्स। ठीक है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इट रिलीज इन टू द एयर एंड इट विल बी डन बाय द लंग्स। सही, यानी आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं लंग्स के अंदर, और ये आपको एल्वोलाई का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अंदर जाके ऑक्सीजन उसे ब्लड के अंदर शामिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से रिलीज होगी और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। यानी हम जो जो सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत पानी की भी मिकदार होती है। ठीक है, प्लस अ लिटिल बिट H2O, क्योंकि हमें अपने सांस में नमी भी महसूस होगी, क्योंकि उसमें बुखारात भी हवा के वो भी जा रहे होते हैं, वो भी एयर के अंदर जा रहे होते हैं, एवेपोरेट हो रहे होते हैं, कह रहे हैं किस्म का। सही, इसके अलावा वाटर के बहुत से सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए वाटर रिलीज हो सकता है। मसलन वाटर, चलो रेस्पिरेशन के ज़रिए भी हमने बात की, सांस लेने से वाटर रिमूव होगा। इसके अलावा वाटर जो है उसका ज़्यादातर पोर्शन यूरिन से रिलीज होता है बेसिकली। ठीक है, यानी यूरिन के ज़रिए ज़्यादातर वाटर का पोर्शन रिलीज होता है। इसके अलावा वाटर के अंदर एक और प्रोसेस होता है, स्वेटिंग। ठीक है, पसीना आना। सो स्वेटिंग के दौरान भी, सही, स्वेटिंग के दौरान भी आपका कह लें कि वाटर रिलीज हो रहा होता है। सही, यानी
वाटर एवेपोरेट होगा एक तो इसमें, प्लस सॉल्ट्स भी एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में से सॉल्ट भी एक्सक्रीट होते हैं। तो स्वेटिंग भी एक प्रोसीजर जिसके जरिए से वाटर और एक्सेस सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट से वो रिलीज हो रहे हैं से, सो स्वेटिंग का प्रोसीजर आ जाएगा। सो इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। सबसे पहले तो ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड किस तरह बनते हैं। सो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ बनाते हैं, मसलन जो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, लाइक जो पानी में रहते हैं मछलियाँ वगैरह, इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होता ही नहीं, ये हर टाइम पानी मौजूद रहती हैं, सो दे डोंट नीड टू स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं स्टोर करते, दे डू नॉट स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक, यानी इनके सराउंडिंग में पानी होता है इसलिए वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर नहीं करते। तो इनके पास अमोनिया ही डायरेक्ट आ जाते हैं, ये अमोनिया को ही डायरेक्ट पानी में रिलीज करते हैं, सही। जबकि जो आते हैं कह लें कि मैमल्स वगैरह या जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आते हैं, अब ये जो एग्जांपल है ये टेरेस्ट्रियल की है, जमीनी, ठीक। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को क्या होता है कि इन्होंने थोड़ी बहुत देर के लिए वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। अब हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी देर तक जो भी वेस्ट, सॉरी हमारे ब्लड जो सका, ब्लड में वेस्ट मटेरियल होता है, सो हमारा ब्लड उस वेस्ट मटेरियल को थोड़ी देर कह लें कि स्टोर करके रखेगा हमारी बॉडी के अंदर, सही, फिर यूरिन के जरिए पास होना होगा। तो उसमें हमारे पास जो सब वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया है, ठीक। इसके यहाँ पे मैं रीजन लिखता हूँ, मसलन जो NH3 है इट इज मोर डेंजरस, सही, कि अगर NH3 ज्यादा देर बॉडी में रहेगी तो फिर बॉडी जल्दी कोमा और फिर डेथ की स्टेजेस की तरफ चली जाएगी, जबकि यूरिया जो आंसर है इट इज लेस, ठीक है, यूरिया जो आंसर है इट इज लेस टॉक्सिक कह सकते हैं या डेंजरस, और यूरिक एसिड उससे भी कम टॉक्सिक है, इज वेरी लेस टॉक्सिक, सही। सो यानी अडाप्टेशन है, मसलन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजीली अपना कह लें कि वेस्ट मटेरियल को पास ऑन कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में मौजूद है, सो दे जस्ट सिंपली स्क्रीट आउट अमोनिया। जबकि जो लिविंग वर्टिब्रेट्स जो के आप कह लें कि लैंड के पर मौजूद होते हैं, लाइक मैमल्स हैं या मोन एम्फीबियन शार्क्स वगैरह, ये यूरिया में एक्सक्रीट आउट करती हैं, ठीक है, अपने वेस्ट मटेरियल को, क्योंकि इन्हें थोड़ी देर स्टोर रखना पड़ता है अपने ब्लड में या अपने बॉडी के अंदर, थोड़ी देर यूरिया स्टोर रखेंगे उसके बाद से एक्सक्रीट आउट करेंगे। जबकि जो फिशेज हैं, सॉरी फिशेज क्या गया, जो बर्ड्स वगैरह हैं, ठीक, बर्ड्स का ये प्रॉब्लम होता है कि दे लिव इन एयर, और एयर के अंदर इनके पास ये होता है कि पानी बहुत कम होता है, दे हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिस वजह से ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। खैर ये अडाप्टेशन हम नेक्स्ट कह लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पे बस जनरल कंसेप्ट के लिए आपको बताना चाहिए, मसलन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो कि हमारे फूड में शामिल होती हैं, सही, और न्यूक्लिक एसिड जो कि हमारा DNA बनाता है, ठीक है, DNA होता है, RNA होता है, सो DNA और RNA या फिर फूड में से जो प्रोटीन्स आएंगे ये ब्रेक डाउन होती हैं, फिर इनके अमाइनो ग्रुप्स जो हैं वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, सो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। और वेस्ट प्रोडक्ट ये जो से होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, दे आर वेरी कह सकते हैं कि दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी, ठीक है, इन्हें बॉडी से रिमूव करना जरूरी है, सही। इनका अगर ज्यादा लेवल होगा तो बॉडी में कह लें कि कोमा कंडीशन में चली जाएगी, डिजीज कंडीशन आ जाएगी, सही तरह वर्किंग नहीं करेगी, इवन डेथ भी हो सकती है अगर ज्यादा देर तक ये बॉडी के अंदर मौजूद रहे, सही। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एग्जाम्पल्स में हमारे पास है जी क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद बनता है, क्रिएटिन है, सिंपल क्रिएटिन है। इसके बाद ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, सो बेसिकली ये अमाइनो एसिड्स के जो से है ना, इन्हें कह लें कि ब्रेक डाउन या कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट के अंदर बनते हैं, ठीक, यानी इसमें अमाइनो एसिड्स, प्यूरीन्स या पायरिमिडीन्स जो कि DNA के अंदर मौजूद होती हैं, उनके ब्रेक डाउन की, उनके कैटालिसिस की वजह से ये प्रोडक्ट हमारे पास रिसीव होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास वेस्ट होते हैं, लाइक जेंथीन है, हाइपोजेंथीन, यानी अगर मैं नाम लिखूँ जेंथीन देन हाइपोजेंथीन,
हाइपोजेंथिन के अलावा हमारे पास यूरिक एसिड, एलेटोनिन, यूरिक एसिड है, एलेटोनिन है। अब इनके अपने अपने फार्मूलाज हैं, सही, यानी हर स्ट्रक्चर का अपना अपना फार्मूलाज है, लेकिन वो हमें यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं। यूरिया, और यूरिया के तो हमने देख लिया, अमोनिया है। सो ये टोटल वो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो हमें प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए से रिसीव हो रहा है, सही। यानी ये कहाँ से रिसीव होगा, हमें प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए, जब ये कैटाबोलाइज होंगे, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, कैटाबोलाइज होंगे। सो प्रोटीन्स हों, डीएनए हों या आरएनए हों, जब ये कैटाबोलाइज होंगे तो इन कैटेगरीज के वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। इसमें क्रिएटिनिन, क्रिएटिन है खाली, ट्राइमिथाइलामाइन ऑक्साइड है, जैंथीन, हाइपोजैंथीन, एलेंटोनिन और यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। यानी यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया ये लार्जर क्वांटिटीज के अंदर होते हैं, बकाया ये जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस हैं दे आर वेरी इन लेस क्वांटिटीज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताते चाहें, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ठीक है, यानी ये कैटेगरीज किस में आती हैं, सारी नाइट्रोजनस वेस्ट में। मैं लिख देता हूँ नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि इसके अंदर मेन जो एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजनस का होता है, इसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। सो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है दे आर रियली डेंजरस फॉर द बॉडी, ठीक है, कि ये बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है, कि इफ़ दे स्टे इन द बॉडी, इफ़ दे स्टे इन बॉडी दे विल किल, ठीक है, दे विल डीजनरेट, डीजनरेशन करेगी सेल्स को, डिस्ट्रॉय करेगा सेल्स को, ठीक है, डिस्ट्रॉय या डीजनरेट करेगा, सही, और उसके वजह से डिस्ट्रॉय द सेल्स, डीजनरेट या डिस्ट्रॉय द सेल्स, इसकी वजह से क्या हो सकती है, बॉडी की पूरी डेथ हो सकती है। सो दे आर वेस्ट मटेरियल, और दिस वेस्ट मटेरियल हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी में से रिमूव होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये इनके बहुत कहेंगे एडवर्स इफेक्ट्स होंगे बॉडी के ऊपर। सो ये एक्सक्रीशन एनिमल्स का एंड ओवरव्यू था, कि एनिमल्स की हमने बात की, वो लाइक फूड ईट करेंगे, कि खाना जो खाएंगे, सो उसके बाद वो उनको मेटाबोलाइज करेंगे अपने बॉडी के अंदर, मेटाबोलाइज करने के बाद उसमें से एनर्जी निकालेंगे, इसके अलावा अपने बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, लाइक अपने प्रोटीन्स, अपना डीएनए, आरएनए बनाएंगे, और बकाया जो रिमेनिंग कह लेंगे एलिमेंट्स होंगे, बकाया रिमेनिंग कंपोनेंट उसके वेस्ट मटेरियल कहलाया जाएगा, ठीक। इस वेस्ट को रिमूव करने को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सो अब हम जो डाइट में, जो एनिमल्स अपनी डाइट में यूज़ करते हैं, उसमें फॉर एग्जाम्पल शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो सकती हैं, फैट्स या लिपिड्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर प्रोटीन, तीन मेजर पार्ट्स हैं, और फिर ये कैटाबोलाइज होते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर, जिसे हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट्स वगैरह आएंगे, सही। तो इसमें साल्ट्स का यहाँ पे मैंने जिक्र नहीं किया, साल्ट्स भी चले लिख देते, सही। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो सा वो जनरल रेस्पिरेशन के जरिए रिलीज होगी, यानी ब्लड में से, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो लंग्स के जरिए एयर में ट्रांसपोर्ट होगी, और सिमिलरली उसके इसके साथ साथ वाटर भी थोड़ा बहुत एवेपोरेट होता है। वाटर का जो मेन सोर्स है वो यूरिन होता है, ठीक है, यूरिन से कह लें कि वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। वो ऑस्मो रेगुलेशन वो डिफरेंट कह लें कि वो भी हम पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा स्वेटिंग है, स्वेटिंग से भी वाटर एवेपोरेट होगा, जनरल बॉडी सरफेस से लॉस हो रहा होता है, ठीक है। स्वेटिंग में क्या होता है कि बॉडी सरफेस से लॉस हो रहा होता है, राइट, इसमें बॉडी सरफेस से वाटर लॉस होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका कूलिंग इफेक्ट भी होता है, वो इसके कह लेंगे ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा पसीने आएंगे, सो कूलिंग के लिए बेसिकली हो रहा होता है। और इसके साथ साथ साल्ट भी रिलीज होते हैं, ठीक है, साल्ट्स भी रिलीज आउट होते हैं जनरल बॉडी सरफेस में से। फिर हमने बात की कि फूड्स हैं तो डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट बिहेवियर होता है, मसलन जो फिशेस हैं, ठीक है, जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती हैं, दे डू नॉट हैव टू स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इन्हें वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपली देयर विल क्रिएट अमोनिया। जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को यह है कि थोड़ी देर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना पड़ता है, सो वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, सो अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया। जबकि जो बर्ड्स हैं दे नीड टू बी मोर स्टोर द, ठीक है, इन्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हवा में रहते हैं, पानी की बहुत कमी रहती है इनके लिए, सो दे नीड टू बी स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर लार्जर टाइम, फिर वो अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, सही। और फिर ये वाटर कंजर्वेशन में भी यूज़ होता है। सो यहाँ पे मेन चीज़ कहने की ये है कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। फिर
मज़ीद हमने बात की कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक जो प्रोटीन्स डीएनए और आरएनए हैं ये जब कैटाबलाइज होते हैं इसमें हमें कैरेटिन मिलती है, क्रिएटिन मिलती है, ट्राईमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड है कंपाउंड का नाम है, जेंथीन होती है, हाइपोजेंथीन, एलोटोनिन, ठीक है। इसके अलावा यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया तो हम पढ़ चुके हैं। और थोड़ा सा हमने इनकी बात की कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, दे इफ स्टे इन द बॉडी दे कैन डिस्ट्रॉय द सेल्स, दे कैन डिजनरेट द सेल्स विच कैन लीड टू डेथ, इसके वजह से डेथ भी हो सकती है। सो ये एक्सक्रीशन है, एनिमल्स का ओवरव्यू था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेचर ऑफ एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट पढ़ेंगे और फिर इसका एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल्स को मजीद डिस्कवर करेंगे।